नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम एक नई वीडियो डालें और एक नई न्यूज़ आप तक लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर। भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसीज पर एक बिल लाया जाए और क्रिप्टो करेंसीज को भारत सरकार निगरानी में रखे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। क्रिप्टो पर लगभग 905 करोड़ रुपए की चोरी देखने को मिली है। हैकर्स के हाथों से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म भी बचा नहीं और हैकर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर करीब 905 करोड़ रुपए की चोरी कर ली है। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म बेजर DAO से लगभग 120 मिलियन के टोकन चोरी हुए हैं, क्रिप्टो के टोकन। जैसे भारतीय रुपये अनुसार देखें तो करीब 905 करोड़ रुपए हैं। इतनी बड़ी चोरी देखने को मिली है इस प्लेटफॉर्म पर। आपको बताएं कि प्लेटफॉर्म ने साइबर अटैक को रोकने से पहले कई क्रिप्टो वॉलेट्स पर को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी अब ये बड़ी चोरी यहाँ देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो बेजर है, बेजर DAO है, उसने जो बयान दिया है अपने बारे में, जो ये चोरी हुई है उस बारे में जो उसने कहा है, उसने बताया कि यूज़र फंड से अनऑथराइज्ड विड्रॉल की रिपोर्ट उन्हें मिली थी। उन्होंने बताया कि हमने जांच शुरू कर दी है, हमने भविष्य में ऐसा ना हो इसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि भविष्य में भी ऐसी कोई घटना सामने ना आए। वहीं साथ ही साथ बेजर ने बताया कि हमने USA और कनाडा में हमारे जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको इस बारे में सूचना दे दी है और लगातार जांच जारी है और जल्द ही इस बारे में पता लगा जाएगा किस तरीके से चोरी हुई और कहां से ये चोरी हुई है। उन्होंने साथ ही बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी रोकने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैकचेन सिक्योरिटी एंड डाटा एनालिस्ट पैक शील्ड ने बताया कि करीब 120 मिलियन डॉलर की चोरी हुई है। हैकर्स ने हैक किया और उन्होंने इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस पर मलेशियस स्क्रिप्ट डालकर चोरी की और करीब भारतीय रुपये अनुसार 905 करोड़ रुपए के टोकन चुरा लिए गए। आपको बता दें कि साइबर अटैक्स जो है उसने कहा है कि ब्लॉकचेन सुरक्षित है, उसका ऐसा बयान आ रहा है चोरी होने के बाद भी। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन जो है वो सुरक्षित है, लेकिन हैकर्स ने पुरानी वेब 2.0 का इस्तेमाल किया, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और उसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसी को फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने यूज़र क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन में जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसी का फ़ायदा उठाकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि वैसे जो रियल बात है ब्लॉकचेन को लेकर वो यही है कि ब्लॉकचेन एक सबसे सुरक्षित और पारदर्शी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को माना जाता है। बिटकॉइन इसका एक बड़ा, बहुत बड़ा उदाहरण है। 2008 की जब मंदी हुई उसके बाद बिटकॉइन की मार्केट में वैल्यू बढ़ती हुई हमने देखी और करीब 2008 से 2021 यानी करीब 12-13 सालों के बीच में 90 लाख प्रतिशत बिटकॉइन की कीमत में उछाल देखने को मिला है। लेकिन इसके जो प्राइस हैं, जो इसके दाम हैं, वो लगातार उतार चढ़ाव करते रहते हैं, कभी एकदम से ऊपर चढ़ते हैं, कभी एकदम से धड़ाम से नीचे आते हैं। ऐसे में तभी इसमें रिस्क माना जाता है। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी ये जो बड़ी घटना सामने आ रही है और हैकर्स ने इस क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर आकर, क्रिप्टो पर आकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसीज को कई देश की सरकारें स्वीकार नहीं कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि इससे युवाओं का जो राह है वो भटकती है, युवा जो हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। भारत सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस बात को कहा था कि हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमारे युवा एक गलत राह पर निकल पड़े हैं और इसी से हमें बचाना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और वित्त मंत्रालय ने भी कहा है, भारत सरकार ने भी पहले ही कह दिया है कि भारत सरकार विचार कर रही है कि भारत की कोई क्रिप्टो करेंसी लाई जाए। साथ ही साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इनकम टैक्स के दायरे में क्रिप्टो करेंसीज को लाया जाए। तो ऐसे में क्या ये नतीजा आता है, ये तो बाद की बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर यही है कि क्रिप्टो पर हैकर्स ने 905 करोड़ रुपए यानी करीब 120 मिलियन डॉलर्स की चोरी की है।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।